नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। बेगूसराय जिला अंतर्गत भगवानपुर प्रखंड के मोक्तियारपुर पंचायत के मानोपुर के वार्ड नंबर 2 निवासी जगन्नाथ साहब के दरवाजे पर बिहार कबीर गोष्ठी के तत्वाधान में एक दिवसीय कबीर पंथ संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राम सागर दास ने किया तथा मंच संचालन अकल दास ने किया। उद्घाटन फुयाद गद्दी के मठाधीश आचार्य महंत धर्मदास साहब ने किया तथा संबोधित करते हुए कहा कि जिस घर में पिता पुत्र भाई भाई सास पतों में मेल रहेगा, उस घर में लक्ष्मी दासी बनकर रहेगी। मुख्य अतिथि के विश्व कबीर विचार मंच के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार आजाद ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की तलाश कर रहा है, लेकिन असली भगवान माता पिता को आदमी भी नहीं मानता है। मुख्य वक्त विश्व कबीर विचार मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम आजाद तथा दरभंगा निवासी महंत आनंदी साहेब, विशिष्ट अतिथिगण महंत राम विलास दास, अशोक साहेब, जागेश्वर दास, शांति दासीन, मंजूर दासीन, चंद्रकला दासीन, राम पुकारी दासीन, डॉक्टर सूरज साहेब, महंत केदार साहब आदि संतों महंतों ने अपने प्रवचन एवं भजन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करा दिया। अकल साहब, डॉक्टर सत्यनारायण साहब, हर्रक साहब, अशोक साहब आदि ने सभी अतिथियों को पुष्प की माला पहनाकर तथा चादर ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बेगूसराय जिला के सभी प्रखंडों से कबीरपंथी संत महंत उपस्थित थे। धन्यवाद। आपके अंदर है सब क्या है? आज जो जितना देर से भजन प्रवचन चल रहा है, ये सब ही मंत्र है। मंत्र कोई दूसरा चीज नहीं है, ये शब्द बोली का दाम हजार है। साथ गुरुदेव ने कहा कि वह वस्तु आपके अंदर छिपा हुआ है, आपके अंदर वह परमात्मा है। वेदों ने कहा रमंती सो राम, वह राम सब में रमन करने वाला चेतन सत्ता जो दृष्टा है। इस राम को हम लोग पहचानते नहीं है और बाहर की तरफ, बाहर भी हम बाबा भोला को दर्शन करते हैं, इधर से बोल बम हरे हरे अल्लाह की पड़ गया मुर्दा। जितने साधु संत हैं जब तक जिंदा हैं तब तक साहेब अंगी महंत साहेब अगुआ साहेब बैराग साहेब, अब कहे शब्द निकल गया तो अगुआ बैराग महंत साहब बदल गया। प्रेम से बोलिए सुखबीर साहब की, ये जब तक आपके अंदर शब्द है, शब्द है तो आपका सारे रिश्ता संसार में बना। साहब जो थे, जो यहाँ यहाँ के लोगों को क्या निर्देश दिए थे, उनके बारे में कुछ बताइए। पूरे विश्व के लिए सबकवि जनमानव कल्याण के लिए सबकवि ने मानव को ऐसे शब्द पाठ को पढ़ाए कि सबकवि दर्शाए कि भाई आखिर प्रेम का पढ़ी सो पंडित हो। सबकवि ने प्रेम को पाठ पढ़ाने को काम किए कि जितने भी हम मानव हैं, मानव एक मानवता, एक मानव का जाति है मानवता, और मानवता में आपस में प्रेम बनाकर रखना चाहिए। यही सब कवि जन संदेश दिए कि ढाई आकर प्रेम का पढ़ी सो पंडित हो। कि आज तो हम लोग किताब पढ़ लेते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, विद्यालय का ज्ञान हो गया, किताबी ज्ञान हो गया, और प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तो आज घर में, परिवार में, समाज में कलह है। इसलिए कबीरदेव मानव को मानवता को पाठ पढ़ाए कि ढाई आकर प्रेम का पढ़ी सो पंडित हो। सबकबीर ने सारे बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाले। सबकबीर ने कहा कि संसार में पांच रतन धनसार, गुरु भक्ति साधक सेवा दया धर्म उपकार, क्योंकि सबकबीर ने परोपकार को सबसे अधिक जोर दिए। और सबकबीर ने अपने मानव को जीवन के अंतःकरण की बात उन्होंने कहा कि बाहर में परमात्मा को जो लोग ढूंढ रहा है, बाहर क्या है, बाहर परमात्मा नहीं है। आज हिंदू में मंदिर में और मुसलमान भाई मस्जिद में दीदार को ढूंढता है, और कबीर का कथन है, सबकबीर का उपदेश है कि भाई रे
मोको कहाँ ढूंढे वंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देकर ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, नहीं कोनो क्रियाघर में नहीं जोग बैराग में, अखोजी हो तो तुरंत ही मिली है पल भर की तलाश में, कहीं कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। कबीर का यही उपदेश रहा कि जितने भी हम सब मानव हैं, सब मानव के अंदर ही वो परमात्मा है, सबके श्वास जो ये चल रही है यही जो है से हमारा सत्पुरुष का प्रकृति का ईश्वर का अंश है, इसीलिए हम लोग मानव को ही बन पाकर इससे अच्छे कर्म करें, सात्विक भोजन पावें और आपस में प्रेम को पाठ पढ़ाकर प्रेम को पाठ के अनुकूल हम लोग चले, यही कबीर का वास्तविक संदेश रहा। लेकिन इससे शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शिक्षा पर जो पड़ रहा है तो शिक्षा दो प्रकार का है, एक है अध्यात्म और एक है भौतिक। तो भौतिक जो है ये किताबी ज्ञान जो है, तो किताबी ज्ञान की आवश्यकता जरूरी है कि जब तक मनुष्य का शिक्षा नहीं होगा तो मनुष्य का अपने जीवन जीने की ढंग और कला का ज्ञान नहीं होगा, अपने अधिकार का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब भी शिक्षा पर अधिक जोर दिए कि जो है से मनुष्य को जीवन पाकर हम लोग पढ़ें लिखें बाल बच्चे में शिक्षित बनावें, और अध्यात्म को एक पाठ है वो आध्यात्मिक विद्या जो संत महात्माओं के द्वारा जो मिलता है ये आध्यात्मिक विद्या है, और यह विद्या मनुष्य को शांति के लिए और अपनी आदत को परिवर्तन के लिए अध्यात्म का शिक्षा की जरूरत है, और इसलिए कबीर साहब इस शिक्षा पर जोर दिए कि सत्संग से संतों को वाणी से मानव में परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, शिक्षा भी हो गया, यदि दीक्षा नहीं है अध्यात्म से जुड़ा हुआ नहीं है उस मानव का खान पान बिगड़ा हुआ है, चरित्र बिगड़ा हुआ है, उनका मानवता सोच जो है मानसिकता है वो शांति में पल रहा है, इसलिए अध्यात्म से जुड़ने के मनुष्य को अंदर शांति मिलता है, इसलिए तुम साहब शिक्षा पर अधिक जोर दिए कि बाल बच्चे को शिक्षित बनावे पढ़ावे लिखावे ज्ञान बनावे। यही संदेश मिलता है जो समाज में जो अंधविश्वास में जो लोग पल रहा है, और अंधविश्वास के जरिए वो शांति फैला हुआ है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, घर घर परिवार में प्रेम नहीं है, और ये गोष्ठी के माध्यम से अध्यात्म के द्वारा मानव को घर घर परिवार में शांति मिलता है, और मानव सत्कृति विचारों को गोष्ठी में आने से सुनने के बाद अपनी आदत को प्रत्याग करता है, खान पान में सुधारता है, और मानव को जो है शांति मिलता है। आज जो गोष्ठी कार्यक्रम है से बिहार लेवल का है, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रयत जिला जिला का संत महात्मा प्रभावित हुए हैं, और बिहार ही लेवल नहीं कबीर का जो विचार है कबीर का ज्ञान है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है आचार्य।